एंड गाइस अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं आज सोलांग वैली। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद एजी ब्लॉग्स। एंड आज हम लोग सोलांग वैली करके कोई प्लेस है वहाँ पे जाने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आएगा वैसे। एंड अभी 10 बज रहे हैं फिलहाल, शायद हम वहाँ पर आधे एक घंटे में पहुँच जाएँगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं आपको वहाँ का रोड और नज़ारे दिखाता हूँ और वहाँ पर जाके हम आपको मैं बताता हूँ सोलांग वैली मतलब क्या है। एंड गाइस आज मैं किसके साथ हूँ देखिए, अश्विन नहीं है, ये जीतू है, जीतू भाई। तो इनके साथ में आज हमारी राइड है, काफ़ी अच्छे ड्राइवर है वैसे। हाईवे पे तो इनका 100 के ऊपर ही रहता है स्पीड, 100 से नीचे कभी चलाते नहीं है। एंड काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट होगी मुझे इनके साथ बैठ के राइड पर। एंड अश्विन एंड विक्रांत भाई वो काफ़ी दूर है, शायद आपको वो सब दिख रहे होंगे बट मुझे नहीं लग रहा, वो लोग काफ़ी दूर है, यहाँ से आधा एक किलोमीटर दूर है। तो चलो चलते हैं अभी। एंड गाइस ये ब्रिज भी है बट अभी फ़िलहाल में बंद है, तो हम लोग नीचे से जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है वैसे लेकिन, एंड काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रोड है ये। मीन्स ये दोनों पैर नीचे करके यहाँ पे चलाना चाहिए क्योंकि ये चिक्कल बहुत है। और ये देखिए ये ब्रिज अभी बन रहा है, तो अगले साल भी अगर आना है किसी को मीन्स 2020 में, तब तक ये रेडी हो जाएगा। हमने पूछा है कि नीचे थोड़ा सा रास्ता ख़राब हुआ है बट काफ़ी अच्छे नज़ारे देखिए, सामने बादल ये सब दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे भी एक ब्रिज है, शायद हम वो ब्रिज पे से जाने वाले हैं। हाँ हाँ वही ब्रिज पे से जाने वाले, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड फाइनली हम ये ब्रिज पे आ चुके हैं। क्या बात है, बारिश भी, बूंदा बूंदी भी चालू हो गई है। जाने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो? शिव मंदिर जाने के लिए। इधर है, इधर से नीचे है। चलो बैठ, उठ जा। फर्स्ट गियर पड़ा, फर्स्ट गियर पड़ा, क्या चलेगी बोले, वही बोल रहा हूँ आगे मत डाल के। काफ़ी ख़तरनाक ऑफ रोड है यहाँ पे, देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पत्थर है। एंड यहाँ पे ये गाड़ी ज़्यादा चलती है, चार टायर वाली ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है। ज़्यादा ऑफ रोड है, मैं तो फर्स्ट टाइम है, बहुत खतरनाक रोड है यहाँ पे। एंड जीतू भाई कैसे कैसे चला रहे, ओह माय गॉड क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे हम लोग शायद, हम लोग ही ये जो बाइक लेके आए हैं, नहीं नहीं सामने भी एक, नहीं नहीं सामने भी एक दो जन है, बुलेट लेके आए, बुलेट लेके आए वो। एंड काफ़ी ऑफ रोड है यहाँ पे, ज़्यादा ही कुछ है, चलते हैं। ऑफ रोड बहुत है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, लेकिन चढ़ी तो चढ़ी भाई, बहुत ऑफ रोड है। रुक जा भाई, हाँ उधर देखिए भाई कितना खतरनाक ऑफ रोड है, इनकी हालत देखिए। चल 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 ना, चढ़ा ना, मैं वीडियो ले रहा हूँ किसी से। काफ़ी मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत हार्ड है यार, धीरे धीरे दौड़ता।
साउथ रिक्शा किधर गए? एक है डबल पानी में पकड़ हाँ ड्राई के लिए पानी ठीक है नॉर्मल है ये तो बैग पकड़ अभी मैंने क्या क्या पकड़ा एक मिनट ऐसी एंड गाइस अभी हम लोग सोलांग वैली पे हैं एंड देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसी गाड़ियाँ चलती है ये चार टायर वाली फोर व्हीलर बोलते इसे एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी है कुछ -2 degrees है एंड अभी हम लोग निकलने वाले हैं तो देखिए सब रेडी है दोनों बाइकर्स रेडी है अभी हम लोग निकलने वाले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑफ रोडिंग है एंड मीन्स काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है मतलब नीचे उतरते वक्त तो पूरी भाई फटने वाली अब हालत अभी काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं और ये भी काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं लेकिन नीचे उतरने के बाद शायद इनका कुछ अलग अंदाज रहेगा कुछ भी हो सकता है देखिए इनकी गाड़ी अभी चमक रही है देखिए इनकी भी तो चलिए एंड गाइस देखिए काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर है हम लोग नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे बस सामने से कोई नहीं आना चाहिए नहीं तो हमारे टांगे छूटेंगे ओह माय गॉड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ये देखिए ऊपर चलो बहुत अच्छे एकदम धीरे धीरे
एंड गाइस हम लोग सोलांग वैली जाके आ चुके हैं। देखिए पूरा हालत, देखिए शूज, देखिए पूरे सब गिल्ला हो चुका है पूरा पूरा का पूरा। एंड देखिए इनकी हालत काफ़ी काँप रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और पूरे कपड़े गीले हो गए। बारिश इतनी ज़्यादा थी, मतलब जाते टाइम तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बट जाते टाइम बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत, लेकिन आते टाइम इतना ज़ोरदार बारिश थी। हम लोग रुके वापस से गए एंड काफ़ी ज़्यादा भीग चुके हम लोग, लेकिन क्या बताऊँ आपको, बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। हम लोग पूरा भीग चुके, मेरा पूरा जैकेट एंड मेरा बैग, बहुत कुछ, पूरा शूज़, मेरा वुडलैंड का पूरा भीग चुका है। अभी क्या करेंगे क्या पता, एंड अभी कितने बज रहे, 3:30 कुछ तो बज रहे हैं, बट अभी इसके बाद हम लोग कहीं जा नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। एंड बारिश में मीन्स इतना ज़्यादा ठंड मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हाथ देखो कैसे हो गए, पूरे लाल हो चुके हैं, पूरा एकदम कड़क हो गए हाथ, मीन्स एकदम हार्ड हो चुका है हाथ। तो गाइस मैं आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा, तो ये वीडियो देखिए आप पूरा। एंड ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि सोलांग वैली हम जाके आ चुके हैं एंड शायद से आज हम होटल में ही रहेंगे पूरा दिन। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ गाइस, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, एंड पसंद आए तो आपको पता है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए बाय।